प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान काल, इसमें हम यूज करेंगे हैज टू, ठीक है, हैज टू, हैव टू, इसका मतलब होगा हिंदी में कोई कार्य मजबूरन करना है या करना पड़ता है, ठीक है, कोई काम तुम्हें मजबूरन करना है या करना ही पड़ता है, बिल्कुल मजबूरी है आपकी, क्योंकि तुम्हें वो करना है, ठीक है, करना पड़ता है या फिर करना है, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरन करना है और करना पड़ता है। तो प्रेजेंट वो टेंस होगा जिस वाक्य में ऐसा हो, करना है, करना पड़ता है, तो समझ लो प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि अंत में क्या है, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है, तो वहां पर यूज करना है तुम्हें हैज टू और हैव टू, ठीक है। यहाँ पर जो है हैज टू का, हैव टू का जो पास्ट होगा वो हैड टू होगा, ठीक है, जैसे क्रिया के फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा हैड टू, इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, कोई कार्य मजबूरन जो है करना था या करना पड़ता था, ठीक है, तो कोई काम जो है पास्ट टेंस में मतलब बीते हुए समय में तुम्हें करना पड़ता था, ठीक है, करना पड़ता था, मजबूरी थी, तो उसके लिए आप यूज करेंगे हैड टू का। कैसे करना है एग्जांपल दिए गए हैं उसके माध्यम से समझेंगे। पहले समझ लो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में आप यूज करेंगे विल हैव टू और शैल हैव, ठीक है, विल हैव टू और शैल हैव टू, जिसका मतलब होगा हिंदी में कोई कार्य मजबूरन करना पड़ेगा या करना होगा, कोई काम तुम्हें करना होगा, मजबूरी है तुम्हारी, आने वाले समय में तुम्हें कोई काम जो है मजबूरन करना होगा, ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे विल हैव टू, शैल हैव टू। अब देखिए यहाँ तीन सेंटेंस दिए हैं, तीन एग्जांपल दिए हैं, और तीनों में जो है एक में प्रेजेंट है, दूसरे पास्ट है और तीसरे में फ्यूचर है, तो इनको कैसे बनाया जाता है ये समझते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले उसके सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि जिसको काम करना पड़ेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जो काम करेगा वो सब्जेक्ट होता है। तो आई हैव टू वॉश डिश, पहले हमने सब्जेक्ट बनाया, ठीक है, सब्जेक्ट लिखा और फिर हैव टू का प्रयोग किया, और क्रिया का पहला रूप यहाँ यूज करना है, ठीक है, वी वन यूज करना है यहाँ पर, ठीक, हैव टू के बाद में, और फिर डिश, आई हैव टू वॉश डिश। अब यहाँ पर क्लीन भी लगा सकते हो, ठीक है, क्लीन भी कर सकते हो, क्लीन मतलब सफा करना, भाई बर्तन सफा करोगे, धुलोगे, सफा करोगे, तो क्लीन भी कह सकते हो। मुझे बर्तन धोना था, धोना पड़ता था, पास्ट में हो गया, मुझे बर्तन धोना था, मुझे धोना पड़ता था, तो आई, अब यहां जब पास्ट में आ गया था तो यहां पर लगाओगे हैड टू, हैड टू लगाओगे, क्रिया का पहले रूप लिखोगे, क्या हो जाएगा, चलो यार क्लीन लिख देते हैं, क्लीन, क्लीन मतलब साफ करना, धोना, ठीक है, आई हैव टू क्लीन और दिस, दिस मतलब बर्तन, ठीक, मुझे बर्तन धोना होगा या धोना पड़ेगा, सब्जेक्ट आई कैसे बनेगा, विल हैव टू, विल हैव टू, या तुम चाहो शैल हैव टू लगा दो, ठीक है, आई विल हैव टू क्लीन और फिर डिश, ठीक, मुझे बर्तन धोना होगा या धोना पड़ेगा, तो हमने बनाया आई विल हैव टू क्लीन डिश। अब कुछ सेंटेंस जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं कहूं तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना है, तो कैसे बोलोगे, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू गो देयर, तुम्हें रसगुल्ला खाना है, ठीक है, यू हैव टू ईट रसगुल्ला, तुम्हें कपड़े धोने हैं, यू हैव टू वॉश क्लोथ, जैसे मैं कहूँ कि तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, तुम्हें कपड़े धोने पड़ेंगे, यू विल हैव टू वॉश क्लोथ, तुम्हें नाली साफ करनी पड़ेगी, तुम्हें नाली साफ करनी पड़ेगी, उसको बनाओगे यू विल हैव टू क्लीन द ड्रेन, ड्रेन मतलब होता है नाली, एक गंदा नाला,
तुम्हें रोज स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल डेली। तुम्हें समय पर दवाई लेना है, तुम्हें समय पर दवाई लेना है, यू हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तुम्हें नाली साफ करना पड़ेगी, तुम्हें नाली साफ करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू क्लीन द ड्रेन। विल हैव टू कंप्यूटर फ्यूचर था, ठीक है। यहाँ पर देखना है इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। तो नेगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में डू नॉट या फिर डज नॉट हैव टू का प्रयोग करोगे, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या फिर डज नॉट हैव टू का प्रयोग करोगे, इसका मतलब होगा कोई कार्य मजबूरन नहीं करना है या नहीं करना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंट में ये होगा। जब नेगेटिव हो जाएगा, जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो समझ लो यहाँ हैज नॉट नहीं आएगा कभी, चाहे करता एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, सभी के साथ हैव टू का प्रयोग करोगे, ठीक है। और यहाँ देखो पास्ट में क्या हो जाएगा, डिड नॉट हैव टू, ठीक है। अब यहाँ हैड टू नहीं रहेगा, हैव टू हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ क्या आ गया है, डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट हैव टू पास्ट में हो जाएगा, इसका मतलब होगा कोई कार्य मजबूरन नहीं करना था या नहीं करना पड़ता था, कोई कार्य मजबूरन नहीं करना था, नहीं करना पड़ता था, ठीक। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल शैल नॉट हैव टू, ठीक है। विल या फिर शैल नॉट हैव टू, कोई कार्य मजबूरन नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना होगा, समझे। अब इसके एग्जांपल भी दिए हैं जो नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव एग्जांपल देखते हैं। मुझे भोजन नहीं बनाना पड़ता है, मुझे भोजन नहीं बनाना पड़ता है, कैसे बनाएंगे, ठीक। आई डू नॉट हैव टू कुक फूड, मुझे भोजन नहीं बनाना पड़ता है। पास्ट में हो जाएगा, मुझे भोजन नहीं बनाना पड़ता था, ठीक है, मजबूरी नहीं थी बनाने की। तो आई क्या लगाओगे, नेगेटिव है तो डिड नॉट, और फिर क्या लगाना है, हैव टू, और फिर हो जाएगा कुक फूड, क्या हो जाएगा, कुक फूड। तुम्हें नाली साफ नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें नाली साफ नहीं करनी पड़ेगी, कैसे बनाओगे, यू विल नॉट हैव टू, साफ करना की क्लीन, और क्या साफ करना है, द ड्रेन। यू विल नॉट हैव टू क्लीन द ड्रेन, समझ गए चीज, बना लो इस तरीके सेंटेंस, बहुत आसान है। तुम लोगों छोटे वाले समझे कुछ, हाँ समझ गए, लिख लिया सब,